नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्ड्स केयर एंड इन्फो में, और मैं हूं सुमित बर्मन। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैरोट्स की रिंग कब आती है, मतलब तोते की जो गले में घंटी होती है वो तोते की किस उम्र में आती है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरोट्स की रिंग सिर्फ मेल पैरोट को ही आती है, फीमेल पैरोट्स के को नहीं आती है। मतलब कि तोते के गले में जो घंटी होती है सिर्फ नर तोते को ही आती है, मादा तोते को नहीं आती है। मेल पैरोट के गले में रिंग कब आती है? मेल पैरोट के गले में रिंग 18 महीने से लेकर 30 महीने के बीच में आती है, मतलब 1.5 से लेकर 2.5 साल के बीच में तोते के गले में घंटी आ जाती है। और ये दो बार करके आती है, पहले तो ब्लैक रिंग आती है जो लाल रंग के निचले हिस्से में काले रिंग होती है वो पहले आती है, उसके बाद लाल रिंग आती है। इस प्रोसेस को होने में करीब 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। ये मेरा अलेक्जेंड्राइन पैरोट है, इसका एज करीब 5 से 6 महीने के बीच में हो रहा होगा, तो इसका रिंग अभी तक नहीं आया है। और ये मेरा रिंगनेक पैरोट है जिसका एज करीब 4 साल हो रहा है, तो इसका रिंग आ चुका है, देख सकते हैं आप सब। अलेक्जेंड्राइन पैरोट और रिंगनेक पैरोट दोनों पैरोट की सेम एज में ही रिंग आती है, 1.5 से 2.5 साल के बीच में। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।